रेजिस्कीव अटैक पर जेलेंस्की की दरअसल पहली प्रतिक्रिया, पहला रिएक्शन सामने आ गया है। जेलेंस्की की ओर से कहा गया है रूस कर रहा है वॉर क्राइम। एक बार फिर से वॉर क्राइम का आरोप जेलेंस्की की ओर से लगाया गया है। रेजिस्कीव को बाकमुत की तरह बनाना चाहता है रशिया। रिहायशी इलाकों में रशिया कर रहा है बमबारी। जेलेंस्की नागरिकों को, ये जेलेंस्की की ओर से कहा गया, नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, आतंकी हरकत की जा रही है। एक बार फिर से जेलेंस्की ने वॉर क्राइम के आरोप लगाए हैं और ये बड़ी बात कही है। यूक्रेन के जनरल का बेहद घातक बयान भी इस बीच सामने आया है। बाकमुत का बदला बहुत जल्द लेंगे, ये यूक्रेनी जनरल की ओर से कहा गया है। बाकमुत हमारा था, हमारा ही रहेगा, ये अलेक्जेंडर सेर्स्की की ओर से कहा गया है। जनरल की तस्वीर आपके सामने है जिनकी ओर से कहा गया है कि बाकमुत का बदला हम जल्द लेंगे, बाकमुत हमारा था और हमारा ही रहेगा। इधर रूस के अंदर यूक्रेन के हमले से मॉस्को में अलर्ट है। रूस ने मॉस्को की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम को अपडेट किया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने जल्दी से रख देते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों का हम रुख करने जा रहे हैं। और बता दें आपको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। मॉस्को की सुरक्षा किस तरीके से बढ़ा दी गई है उसको लेकर जानकारी, वजह क्या है रूस की सीमा के अंदर यूक्रेन के हमलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। ब्रियांस्क में आपको याद होगा किस तरीके से अटैक किया गया था तेल रिफाइनरी पर, उसको लेकर इस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। क्रीमिया सेवेस्तोपोल पर हमले के बाद भी अलर्ट मोड पर है। रूस को आशंका है कि यूक्रेन मॉस्को पर अटैक की प्लानिंग कर रहा है और इसी के मद्देनजर ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉस्को पर निशाने के लिए यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल लगातार उसकी मांग करता आ रहा है और इसी का अंदेशा लगाते हुए इस तरीके का अलर्ट पिछले कुछ दिनों से रूस के अंदर यूक्रेन हमले कर रहा है और उसमें ब्रियांस्क लेटेस्ट एग्जांपल है। इसको लेकर लगातार इस तरीके से अलर्ट मोड पर है। जीजे सिंह सर, क्या लगता है आपको, इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा क्या रशिया के अंदर हमला करने का? देखिए, ये बात मैं बहुत देर से कह रहा था कि अगर रशिया का हक बनता है कि वो कहीं भी अटैक कर सकता है यूक्रेन में, तो यूक्रेन क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका मेन रीज़न यही था कि जो वेस्ट है वो चाहता है वॉर ज़्यादा आगे ना बढ़े। मगर अभी कुछ डिज़ाइन जो तरीके तौर तरीके बदल चुके हैं, क्योंकि जब इनके पास हथियार आ जाते हैं यूक्रेन के पास, तो ये अभी ऐसे लग रहा है कि मॉस्को, क्रेमलिन, व्लादिवोस्टोक जो दूर दूर के इलाके जहाँ पे इनके ठिकाने हैं, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, डिपोज हैं, अड्डे हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे, तो ये जो सारी वॉर है, जंग है, ये एक नया रूप ले लेगी और इसके साथ रूस के ऊपर प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने से वो क्रीमिया से पीछे हटेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हथियार जो हैं वो सिर्फ यूक्रेन वालों के पास जब आते हैं तो वो स्ट्रेटजी बदलते हैं। यूक्रेन के आदमी उनके हैं जो लड़ते हैं, मगर हथियार जो हैं वो वेस्ट के हैं और जो स्ट्रेटजीज बनाने वाले हैं वो उनके जनरल्स हैं, नॉट वेस्ट और कोई दूसरा देश। मगर रूस के पास तो रूस के हथियार हैं, रूस के जनरल हैं, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि इतने कारगर नहीं हैं, क्योंकि पिछले 3-13 महीने से जो हालात रशिया के होगा है उसके साथ प्यूटिन साहब की काफी करकरी हुई है, इसमें दो राय नहीं है जी।